गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में, जो क्या धारा 370 को रिमूव होने से क्या फ़ायदा हुआ और जम्मू कश्मीर को, और क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर है कहाँ इंडिया के मैप पे। इंडिया के मैप पे सबसे ऊपर में जम्मू और कश्मीर है, जो क्या अब दो नए यूनाइटेड टेरिटरीज बन गए हैं, जो कि अब दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख, जिसका कि अब टोटल कारोबार केंद्र सरकार संभालेगी। हो सकता है कि वहां का झंडा भी चेंज हो जाए, जो कि तिरंगा झंडा हो जाए, ना रहे जम्मू कश्मीर का झंडा। अब धारा 370 हटने से कुछ फ़ायदे, जैसे क्या वहाँ पे कोई भी इंसान जाके ज़मीन ले सकता है, और फिर वहाँ पे जिस तरह से उस लोग को सुविधा मिला गया था कि हर कोई भी गाड़ी यहाँ यहाँ से जाएगा तो कर उसे पे करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे था कि जम्मू कश्मीर में जो है लगभग 5-7 रुपया से किलो प्रति किलो चावल गेहूँ से मिलता था, बहुत सस्ता रहता था जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर हम गौर फरमाते हैं, जम्मू और कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को यहाँ पे दिखाया गया है हरा कलर से, लद्दाख शहर है और उसके बगल में जम्मू कश्मीर है। लद्दाख जो है नेपाल के तरफ पड़ता है, और जम्मू और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के तरफ पड़ता है। दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर के बारे में हम लोग देख रहे हैं इस मैप में, इमेज में, कि किस तरह कहाँ पे जम्मू और कश्मीर है और किस तरह से इसका बंटवारा किया गया है। जम्मू और कश्मीर का बंटवारा करने करने से अब इसका बहुत ही फ़ायदा हो गया, कि अब इसका कनेक्शन पूरे भारत से हो गया है, और ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिस कारण इसका जो विकास अवरुद्ध था वो विकास अब पूरा हुआ। ठीक, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।